नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोंटी जनसेवा केंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे असम राइफल्स फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। आपको मैं बता दूं दोस्तों, असम राइफल्स में फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको समझ में आ पाएगा। स्टेप बाई स्टेप आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो लास्ट तक आप बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको समझ में आ पाएगा। अभी थोड़ा सा एक काम कर देना है, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड भाई दोस्तों के साथ। और दोस्तों, हो सके तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर ले जाना है। सब्सक्राइब करके रखोगे तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन से रिकॉर्डिंग चैनल है, कोई बेकार चैनल नहीं है, कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ इस फॉर्म की। तो आपको क्या करना है, sarkariexam.com पर आ जाना है। नीचे आप देख सकते हैं, ये जो निकाली गई है असम राइफल स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2024, ये स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है दोस्तों। 28 सितंबर से पोस्ट फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 27 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। 27 अक्टूबर तक आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट फ्री एग्ज़ाम डेट आपका जल्दी में जारी हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी परीक्षा से पहले ही होएंगे और रिजल्ट परीक्षा होने के बाद जल्द अपडेट होगा। जो फीस की बात कर रहे हैं, जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है और SC ST PWD वालों के लिए 0 बैलेंस पर फॉर्म भरे जाएंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिसका भी इस्तेमाल आप करके पेमेंट करना चाहते हैं उसका इस्तेमाल पेमेंट करके कर सकते हैं। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष है, अधिकतम आयु आपकी 28 साल तक मांगी गई जाएगी। आयु में छूट नियमानुसार लागू है, मतलब वही है, SC ST की 5 साल की छूट है और OBC वालों की 3 साल की छूट है। ठीक है दोस्तों, एज कैलकुलेटर यहां से आप क्लिक करके कर सकते हैं। 38 पोस्ट आपकी निकाली गई है टोटल, राइफल्स मैन एंड राइफल्स वोमैन GD की वैकेंसी है ये, जिसमें 38 है कुल पद। हम यहां पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया आपकी यहां पे दे रखी है, उम्मीदवार सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, ये आपका होने वाला है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। अब आपके सामने फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ये असम राइफल से रहेगा, मेल या फीमेल है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट कौन सा है, डोमिसाइल, वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपका राइफल्स वोमेन एंड मैन आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला जाएगा आप जनरल से है, SC से है, ST से है, OBC से है, जौन सी भी कार्ड से आप बिलोंग करते हैं उस कार्ड्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाई स्कूल से ये फॉर्म है, देख सकते हैं 10th क्लास आ रहा है मेरा, यहाँ पे IAGD कर देना है, ओके कर देना है। अभी आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब ये भरना कैसा है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका 10वीं की मार्कशीट में है फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल नेम आपका क्या है डालिए, नहीं तो लास्ट नेम डालिए। सबसे पहले ऊपर आपसे यहाँ पर मिस्टर, यहाँ पे सिंगल है, मैरिड है, वो आप सेलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपसे पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आपके फादर का नाम जो भी है उसको नाम को डाल देना है आप। उसके बाद आपकी माताजी का नाम पूछा जाएगा, जो भी आपकी मदर का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ भी आपसे पूछी जाएगी। तो ये चीज़ आपको मार्कशीट में देख कर ही डालनी है दोस्तों। उसके बाद आपका धर्म कौन सा, हिंदू, मुस्लिम, जैन, जो भी धर्म है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और एक ID आपको अपनी डाल देनी है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, एड्रेस आपको पूरा डालना है पिन कोड के साथ। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपको डाल देना है। उसके बाद आपका स्टेट डाल देना है, आपको अपना पिन कोड भी डाल देना है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी जाति, अगर आप SC ST या OBC से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है यहाँ पे। 50 KB से लेकर 80 KB के बीच आपका साइज होना चाहिए JPG का। उसके बाद नीचे आएगा स्पोर्ट कोटा लेवल की आपकी पूछी जाएगी, तो यहाँ पे आपका स्पोर्ट कोटा कौन सा है इनमें से, आप इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका फुटबॉल है, जो भी आपके पास स्पोर्ट का जो भी है आपके पास, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्पोर्ट कोटो का आपको अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट, 50 से 80 KB के बीच आपका होना चाहिए। उसके बाद उसकी यहाँ पे
यहाँ पे उसकी डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी, जो जो यहाँ पे मंगाया है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी आपका वो है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हाई स्कूल की डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको फिल कर देना है, डेट ऑफ पासिंग आपकी कब की थी हाई स्कूल की वो डाल देना है, टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो डाल देना है, फिर आपको मिले कितने थे वो भी आपको डाल देना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि फ़ोटो जो साइज रहेगा, फ़ोटो का साइज जो रहेगा वो 30 से 50 KB के बीच है, और जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ रहेगा, यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जो कि 50 से लेकर 30 80 KB के बीच है। फिर आपको यहाँ पर डोमिसाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और उससे आप 50 से लेकर 80 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनमें से कुछ नहीं टिक करना है, यहाँ पर आपको प्लेस का नाम डालना है, कहाँ से आपको फॉर्म फिल कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस का नाम डालने के बाद ये आपको जो है कैप्चर मिल जाएगा, कैप्चर डाल देना है, उस चेक कर लेना है, चेक करने के बाद आप सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट कर दोगे, आपके सामने जो है ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है, एक्सपेक्टेड फॉर्म हो चुका है मेरा, और यहाँ पे मेरा आईडी नंबर आ चुका है, यहाँ पे मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे ये, यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे इसकी प्रिंट स्लिप, मतलब कि यहाँ से प्रिंट करेगा, यहाँ पे इसके स्लिप भी ले सकते हैं आप, मतलब अगर आपको इसका ये कर ले इसका चाहिए तो यहाँ से करेगा, अगर इसका प्रिंट आउट पूरा चाहिए तो यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके, यहाँ से जैसे मैंने प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं मेरा पूरा प्रिंट आउट आ चुका है, और नीचे मुझे प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा, और प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये मेरा प्रिंट आउट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना असम राइफल्स का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि राइफल्स वोमेन के दोनों फॉर्म निकाले गए हैं, काफ़ी अच्छा फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म भर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, वो कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम में शॉप आपके लिए तैयार हो, और कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट करिए, बाकी आप फॉर्म भर लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी जनरल OBC वालों को 100 रुपये फीस देनी पड़ रही है, पर आप भी फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं। बाकी SC ST वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि फीस नहीं देनी पड़ रही है, बाकी फॉर्म ही भरना है, बस कुछ नहीं करना है, कोई जेब से पैसा नहीं देना है। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप फॉर्म भर लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पहली बार आ रहे हैं अपने भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी एजुकेशन से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नए शुरू में, सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।